इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी और अहम जानकारी। उत्तराखंड में मतदान के दिन अवकाश घोषित किया गया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 19 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश उत्तराखंड में घोषित किया गया है। निर्वाचन विभाग ने इसको लेकर आदेश भी जारी किए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर ये अहम जानकारी। उत्तराखंड में मतदान के दिन अवकाश घोषित किया गया है। बता दें कि निर्वाचन विभाग ने इसको लेकर आदेश भी जारी किए हैं। अधिक से अधिक मतदान के लिए ये फैसला लिया गया है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी। उत्तराखंड में मतदान के दिन अवकाश घोषित किया गया है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 19 अप्रैल को मतदान के दिन उत्तराखंड में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है और निर्वाचन विभाग ने ये बड़ा फैसला लिया है। वहीं इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में माहौल देखने को मिल रहा है और सभी तैयारियां की गई हैं, वहीं एक बड़ा फैसला लिया गया है कि अब 19 अप्रैल को अवकाश घोषित रहेगा, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, यहाँ पे लगातार जिस तरीके से बात करें निर्वाचन आयोग की, तो यहाँ पे प्रशासन के साथ साथ निर्वाचन आयोग का भी जो है इस बार जो है उनका कहना था कि जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ाया जाएगा, मतदाता को तो ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना है, जो जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और लगातार जो है यहाँ पे प्रशासन की ओर से जो है यहाँ पे रैलियां निकाल के मतदाता जागरूकता की यहाँ पे जो है शपथ दिलाई जा रही है कि किस तरीके से वोट प्रतिशत जो है यहाँ पे बढ़ाया जाए, उसको लेके यहाँ पे जो है यहाँ पे निर्वाचन आयोग के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और एक आदेश पारित कर दिया गया है कि 19 तारीख को जो मतदान होगा उस दिन जो है सार्वजनिक अवकाश जो है घोषित कर दिया जाए और उसके लिए बाकायदा सभी जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि आप अपने अपने जिलों के जिलाधिकारियों से बात करके और अवकाश की जो है यहाँ पे सूचना दे दी जाए। जी आकांक्षा, ठीक है। अवनीश गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।